श्री बागेश्वर सरकार की कथा का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर 24 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है और ऐसे में कथा स्थल पर प्रतिदिन ही लाखों भक्तों की मौजूदगी होगी। वहीं कथा के निर्देशक और बागेश्वर धाम सरकार धाम से पधारे लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा कथा स्थल पर मास्क लगाए जाने की अपील की गई है। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। यानी 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भव्य और विशाल 9 दिवसीय श्री रामकथा होने जा रही है। दमोह के आसपास के और भारतवर्ष के जितने भी भक्त लोग हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी पधारें और इस विशाल भव्य आयोजन में शामिल हो और पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसके साथ ही अभी हमारे भारत देश में जैसे कि खबर आ रही है कि चाइना में कोविड फिर से कोरोना आ गया है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग मास्क लगाकर अवश्य आएं, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। इसके साथ ही भगवान तो आप सब पर कृपा बनाए रखे हैं, लेकिन हम भी, हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो आप सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप सभी मास्क अवश्य लगा के आए। जय श्री राम, जय बागेश्वर। बस मेरा पूरे लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है, आए कथा का आनंद लें, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगा कर आए तो ज्यादा उचित होगा, ताकि अपन किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो और अपन बढ़िया कथा का आनंद ले सके। मास्क जरूर लगा कर। Yes. लाला राम स्वरूप जीडी पंचांग 87 वर्षों से सटीक गणनाओं का एकमात्र प्रतीक, व्रत व त्योहारों की सही जानकारी। पंचांग खरीदते समय ट्रेडमार्क में आगे 8 और पीछे 8 अवश्य देखें। जीडी पंचांग।